हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि इस टाइम आपने जो देखी है कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से बूम कर रही है। अभी आपने देखा रिपोर्ट जो आई है 8.4% इंडिया की इकोनॉमी जैसे बूम कर रही है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इतना ज्यादा करके इकोनॉमी बूम करेगी, इतना इतना परसेंट की ग्रोथ आएगी, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेशनल है। और सभी लोग, जितने भी कंट्री है इस समय, सभी परेशान है कि इंडिया में हमको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इंडिया और जो भी सबसे टॉप किसमें हमको ग्रोथ मिली है, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर आप इस टाइम पे चाहते हैं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप बिगनर हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग पैसा लगाइए। क्योंकि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले, रोड व पुल्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, मतलब हर चीजों में इंडिया को अभी बहुत ऊपर जाना है। क्योंकि इंडिया अभी उस लेवल पे आ नहीं पाया है। तो आने वाले अब 20-25 सालों में इंडिया इतना ज्यादा ग्रो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आप पैसा लगाएंगे आने वाले 2-3-4 सालों में। जितने भी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी चीजें क्या आती हैं, सीमेंट है, स्टील्स है, आयरन है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीज, जितनी कंपनियां जो भी इन फील्ड में काम करती हैं, अगर आप इनमें पैसा लगाएंगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप 2-4 सालों में इतना अच्छा पैसा बनाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। जैसे कुछ स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ, मतलब ऐसे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि डालिमा सीमेंट है, टाटा स्टील है, JSW स्टील है, L&T है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं। तो आप लोग कोई भी स्टॉक पिकअप करिए, उसमें अपना एनालाइज करिए, कंपनी का 5 साल का रिटर्न कितना है, कंपनी की बैलेंस शीट कितना है, जो भी पॉइंट्स होते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, आप उनको चेक करिए और इसमें इन्वेस्ट करिए। मेरा मतलब वीडियो बनाने का मतलब ये पर्पज है कि आप इस समय कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि दोनों की बहुत नीड है, क्योंकि इंडिया में कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। रोडों का जाल बिछना, रेलवे सेक्टर में रेलवे लाइन का होना, इलेक्ट्रिफिकेशन होना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग वाइजली, आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप जहां पे पैसा आई थिंक FD में लगा रहे हो, FD में थोड़ा सा अमाउंट वहां पर आप कम करिए, थोड़ा सा अमाउंट करके आप कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पैसा आप अच्छा बनाओगे आने वाले टाइम में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।